नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIEEI द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 3 की गणित विषय की पुस्तक के पाठ 9 अंक ही अंक में गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ अंक ही अंक के सारांश के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ अंतर्राष्ट्रीय अंक, देवनागरी अंक तथा रोमन अंकों के परिचय के ऊपर आधारित है, उनकी जानकारी पर आधारित है। यदि बात की जाए गृह कार्य नवाचार की नवीनता के बारे में, तो छात्रों को प्रस्तुत पाठ से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उससे संबंधित आसपास के परिवेश को ध्यान में रखते हुए उन्हें गृह कार्य दिया जाता है, जिससे कि वह वर्तमान परिवेश में जो शिक्षा है उसकी समझ को बेहतर कर सकें, विषय की समझ को बेहतर कर सकें। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जो जानकारी है जो दी गई है, जैसे कि अंक ही अंक के बारे में बताया गया है, तो देवनागरी अंक, अंतर्राष्ट्रीय अंक तथा रोमन अंकों की परिचय से संबंधित आसपास के परिवेश को ध्यान में रखते हुए उन्हें गृह कार्य दिया जाता है, जिससे कि वे इन सब विषयों की संबंधित जानकारी को दोहरा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। नवाचार के क्रियान्वयन में मात्र 30 मिनट का समय लगता है। यदि हम बात करें पूर्व प्रबंधन की, तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में जो शिक्षक हैं उन्हें जो अंक ही अंक इससे संबंधित जो तालिका है इसकी प्रति की व्यवस्था उन्हें करनी होती है। आइए हम बात करते हैं निर्देशों के बारे में। शिक्षक विद्यार्थियों को निर्देश देते हैं कि उन्हें घर जाकर अंक ही अंक जब पढ़ाया जा रहा है तो इसकी जो व्याख्या है वह अपने शब्दों में अपने अभिभावकों के सामने करनी है, और उन्हें जो गृह कार्य दिया जा रहा है उसे पूरा करना है। जो गृह कार्य इसमें शिक्षक देते हैं वह उन्हें बताते हैं कि घर में जाकर जो उनका कैलेंडर है जिसमें वह तारीख देखते हैं कि आज कितनी तारीख है, तो जिसमें उसमें जितनी भी सारी संख्याएं लिखी हुई हैं तो उसमें उनको तारीख बनाने के लिए दी जाती है, उसमें उसी अंक को देवनागरी अंक, अंतर्राष्ट्रीय अंक और साथ ही साथ में उनको रोमन अंकों में उन्हीं अंकों को लेकर आना है। चूँकि ये जो गृह कार्य नवाचार है ये घर पर ही पूरा किया जा सकता है और आसपास के परिवेश को ध्यान में रख के किया जा सकता है, तो इसीलिए इसमें अभिभावकों के लिए भी निर्देश है। अभिभावकों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो जानकारी लिख रहे हैं छात्र अपने अपने तालिका में वह सही हो और उसे अपनी पूरी निगरानी में उन्हें करना चाहिए। इसी के साथ साथ विद्यार्थी इस पूरी जानकारी को लेकर जब विद्यालय तक आते हैं तो वह अपनी जानकारी को सभी छात्रों के समक्ष सुनाते हैं, उससे जो वंडित जानकारी है उसे बताते हैं, जिससे कि सभी छात्रों को इससे संबंधित जानकारी प्राप्त हो पाती है। और जब सभी छात्र एक एक कर लेकर आते हैं तो वे काफ़ी ज़्यादा उनके लिए अनुभवात्मक रहता है, अलग अलग उनके विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। आइए हम बात करते हैं इसके अतिरिक्त नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। तो प्रतिफल ये प्राप्त होता है कि जो छात्र हैं वे रोमन अंक, देवनागरी अंक और अंतर्राष्ट्रीय अंकों को समझ पाते हैं, उनमें अंतर कर पाते हैं, इसी के साथ साथ वे आसपास की घटनाओं से काफ़ी कुछ सीख पाते हैं। अगर हम बात करें NCERT 2005 की, तो ये नवाचार अनुभवात्मक है जिसमें विद्यार्थियों की आवाज़, उनके अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है, उनको प्रधानता दी जाती है, जिससे कि NCERT 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति भी नवाचार करता है। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को भी ये नवाचार, उनके भी जो बहु इंद्रियां उनके माध्यम से वे सीख पाते हैं और कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो अब गृह कार्य उन्हें भी दिया जाता है तो वे अब घर में भी अपने अभिभावकों की मदद से इसे पूरा कर पाते हैं। यदि हम बात करें कि इसे कब पढ़ाया जाना चाहिए, तो जैसा कि उत्तर प्रदेश का पाठ्यक्रम है उसके अनुसार इसे नवंबर माह में ही इस पाठ को पढ़ाया जाना चाहिए। आज हमने गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का क्रियान्वयन प्रस्तुत पाठ अंक ही अंक में हमने समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने विद्यालय कक्षा में इसे अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIEEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।